गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रबल वॉय 02 बन में। हेलो गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 और मैं फिर लहसुन से छेल रहा हूँ क्योंकि भैया चले गए हैं घर पे और शोभनन तो आया हुआ नहीं है। कल संडे है और जैसा कि मैंने बोला था कि मेरा जाना नहीं होगा तो मैं रुक गया हूँ रूम पे। तो रोटी तो रखी हुई थी सुबह की, तो सब्जी बना लेता हूँ और खाते हैं खाना। आज सुबह से ही कुछ मिला ही, टॉपिक वगैरह भी मिला और मन भी नहीं हो रहा था, मूड वगैरह सब। तो अभी जस्ट उठाया हूँ मैंने मोबाइल और अब सोच रहा हूँ कि किस टॉपिक पे बोलूँ या बनाऊँ। अकेला हूँ रूम पे भी, तो चलो ठीक है, आज टॉपिक लेते हैं यूट्यूबर्स के बारे में कि बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हैं कि जैसे कि बड़ा ब्लॉगर है, ब्लॉगर ही लेते हैं अपन, ब्लॉग चैनल बनाते हैं, ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, तो जैसे बड़े ब्लॉगर्स हैं उनसे मिलने जाते हैं तो थंबनेल पर अच्छा बहुत बड़ा पोस्टर बनाएंगे मस्त सा डिज़ाइन करके, उसमें मस्त लिखेंगे कि जैसे बड़ा यूट्यूबर सौरभ जोशी में बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है, कमेंट आ गया है कि कर्मा ब्लॉगर से इन पे ईगो आ गया है, मनोज देव हैं इनसे मिलने जाओ तो ये बात नहीं करते हैं, सब्सक्राइबर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और बहुत कुछ, या घर से ने बाहर निकाल दिया, हमसे बात नहीं करी, हमको बेट कराया, कुछ भी हर कुछ जो उनके मन में आते वो लिखते हैं। पर रियलिटी क्या रहती है सभी को पता रहता है, जो सब्सक्राइबर हैं उनकी बहुत बड़ी फ्रेंड फॉलोइंग है, उनके जो फॉलोअर से जानते हैं कि वो कैसे इंसान हैं और वो क्या करते हैं। और रही बात थोड़ा ईगो की और सब्सक्राइबर के खातिरदारी या मेहमान गिरी की, तो देखो यार वो उनके आपके जैसे कितने ही सब्सक्राइबर आते रहते हैं और रोज के आते रहते हैं, तो कोई भी इंसान कब तक क्या करेगा। और जैसे कि अब तुम हर एक इंसान को, एक व्यक्ति को बार बार वही बातें बताई जाती हैं या उनको वही बात रिपीट करना पड़ता है तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, भले वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। जैसे कि आप टीचर को ले लो, यदि कोई बच्चे को वो बताता है तो वो एक बार बताएगा, दूसरी बार बताएगा, यदि वो तीसरी बार भी बच्चा नहीं समझता या नहीं करता, उनके सवाल को हल नहीं करता या उनकी बातों को नहीं समझता, तो फिर सर मारने में देर नहीं करते या तो फिर उसको डांटने में देर नहीं करते। तो सेम ऐसे ही है, अब जैसे सब्सक्राइबर कोई आते हैं, बहुत सारे आते हैं, एक आ गया, दो आ गया, अब उनको बार बार वही चीज़ बताएंगे तो थोड़ा चिड़चिड़ापन तो आएगा ही, बेसिकली है सभी के साथ आएगा। और उनका ईगो की बात रहे तो यार इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं तो थोड़ा तो उनका फ़र्ज बनता है एटीट्यूड और ईगो का, क्योंकि उसकी बदौलत तो वो, जैसे वो नॉर्मल इंसान थे तो कोई उनको पूछ रहा था, कोई नहीं पूछता ऐसे, अब वो उस मुकाम पे पहुंच गए हैं तो जाहिर सी बात है कि ईगो तो आना कंपलसरी है उनके अंदर थोड़ा सा, और यदि आप भी आ जाओगे तो आपके अंदर भी आ जाएगा, ऐसी बात थोड़ी है। तो ऐसा रहता है, किसी के बारे में थोड़ा सा जज नहीं करना चाहिए। हो चुका है 7:41 और खाना बन चुका है और ये देखो इनमें घर से सेव लाए थे और रोटी तो सुबह की थी और ये रही सेव की सब्जी, तो चलो खाना खा लेते हैं और बातचीत भी करते जाते हैं साथ में। आ जाओ खाना खा लो बासा, अब दिख रहा है कैसी बनी है बताता हूँ टेस्ट करके, बेकार भी बनेगी तो भी अच्छा बोलूँ क्योंकि मैंने बनाया हूँ, बुरा ही नहीं कर सकता, खाना पड़ेगा जैसा भी है।
तीखी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हो चुका है और अब लैपटॉप खोलते हैं और देखते हैं, एक दो फॉर्म भरने की बोल रहे थे, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ, उनको कॉल करके डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हैं तो उनका फॉर्म अप्लाई करते हैं। और